हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको मीठी इमली की चटनी बनाना बता रहे हैं। ये हमने 250 ग्राम इमली ली थी, जिसे रात भर भिगो के रख दिया था। अब हमने इसे अच्छे से इसका पल्प निकाल लिया। आप ये देख सकते हैं, 250 ग्राम इमली का पल्प है। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। ये हम व्रत के लिए बना रहे हैं। जब घी मेल्ट हो जाए तो आप उसमें थोड़ा जीरा और मिर्ची डालेंगे। अब इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच सेंधा नमक डालेंगे और आधा किलो के लगभग चीनी डालेंगे। और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे, जिससे कि चीनी नीचे लग ना जाए। अब इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर उसके बाद आप देखना, हमारी इमली की चटनी बनकर तैयार। आप देख सकते हैं, इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है। अब इसे 20-1 मिनट और पकाना है, फिर आपकी इमली की चटनी बनकर तैयार है। देख सकते हैं, इसे पकते पकते आधा घंटा हो गया है। अब हम इसे ठंडा करने के बाद आपको दिखाएंगे। ठंडा करने के बाद आप देखिए कि कितनी गाढ़ी हो चुकी है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।